जहां एक तरफ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, जहां एक तरफ बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकाराओं में से एक ऐश्वर्या राय बच्चन, वहीं पर अभिषेक बच्चन साहब जिन्होंने साल 2000 में अपना डेब्यू किया लेकिन इतने सालों में अपने बॉलीवुड करियर में कुछ खास कर नहीं पाए। पर अब सलमान की एक्स मैनेजर देने वाली है अभिषेक बच्चन के करियर को पुश। क्या है माजरा बताते हैं आपको। नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है अभिषेक बच्चन साहब के करियर के बारे में। तो जनाब, अब अभिषेक बच्चन के करियर को मिलने वाला है पुश, क्योंकि ऐश्वर्या राय ने ठान ली है कि अभिषेक के करियर को चमकाना है। दरअसल सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच यहाँ एक बार फिर से कनेक्शन बैठ गया है, और वो ऐसे कि सलमान की जो एक्स मैनेजर थी अब वो मैनेजर हो गई है अभिषेक बच्चन के करियर की। जी हाँ, रेशमा शेट्टी जो कि पहले सलमान की एक्स मैनेजर हुआ करती थी, अब वो अभिषेक बच्चन की मैनेजर बन गई हैं, यानी कि अभिषेक के करियर को करने वाली हैं वो पुश, उनके करियर को आगे बढ़ाने वाली हैं। और रेशमा शेट्टी वही हैं जिन्होंने सलमान की नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट किया था। बहुत सारे कोर्ट केस और नेगेटिव चीजें होने के बाद सलमान की इमेज को पॉजिटिव वे में भुनाने में अगर कोई कामयाब रही तो सलमान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी। और अब रेशमा शेट्टी देखने वाली है अभिषेक बच्चन का करियर। और जहां तक बात है अभिषेक बच्चन की, तो जनाब इन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी के बाद। उसके बाद उन्होंने कुछ हिट फिल्में दी, लेकिन पिछला कुछ टाइम देखा जाए तो अभिषेक के लिए बहुत बुरा रहा। चाहे वो धूम 3 हो, हैप्पी न्यू ईयर हो, बोल बच्चन हो, हाउसफुल 3 हो, इन सभी फिल्मों में अभिषेक एक साइड हीरो बन के रह गए और अपनी एक्टिंग का लोहा नहीं मनवा पाए। पर अब ऐश्वर्या राय बच्चन ने लिया है नया मुंह, खेला है उन्होंने नया दाव। दरअसल रेशमा शेट्टी को हायर करने का, अभिषेक के करियर को चमकाने का जो ये पूरा आइडिया है वो ऐश्वर्या राय बच्चन का ही था, इसीलिए उन्होंने सलमान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी को हायर कर लिया अभिषेक बच्चन के लिए। बहरहाल देखते हैं कि रेशमा शेट्टी अभिषेक के करियर में क्या कमाल ला पाती हैं, क्योंकि अभी तक अभिषेक का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।